हेलो फ्रेंड, दिस इज मोहम्मद शुएब बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल नोटिस। तो आज इस वीडियो में जैसा कि आप लोग टाइटल में देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें हमारी 50% या 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए बिटकॉइन में और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए ऑल्ट कॉइंस में। अब ये जो है ये मेरा मानना है, मेरा पर्सपेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है। बाकी कुछ लोग इससे सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग इससे सहमत नहीं भी हो सकते, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। और दूसरी चीज, मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी ऑल्ट कॉइन को बुरा नहीं कहना चाहता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये ऑल्ट कॉइन खराब है या ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट मत करिए, बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करिए, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है, कोई गलत मतलब प्लीज इस वीडियो का बिल्कुल मत निकालिएगा। इनफैक्ट मैं हमेशा से ऑल्ट कॉइन्स की तारीफ करता आया हूं, उनकी जो टेक्नोलॉजीज है उस पर मैं वीडियोज करता आया हूं और इनफैक्ट आगे भी करता रहूंगा। तो अब आप लोग का एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैं हमेशा जो ऑल्ट कॉइन्स की वीडियोस करता हूं उसमें बिटकॉइन से कहीं ना कहीं उनको कंपेयर करता हूं और बताता हूं कि बिटकॉइन में ये चीज नहीं थी तो ये चीज अब इसमें ऑल्ट कॉइन में आ गई है, तो उसका भी मैं आंसर करूंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, हो सकता है ये वीडियो जो है वो लंबी हो जाए, तो प्लीज एंड तक इसको आप जरूर देखें। तो यहां पर जो मेरा ये कहना है कि बीटीसी में जो हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं जब विद माय ऑल एक्सपीरियंस, जितने सालों का मुझे एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में हुआ है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला एंड बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से जब आप मिलते हैं और जब आप उनकी सोच को जानने की कोशिश करते हैं, जब उनसे बात करके पता चलता है व्हाट एग्जैक्टली दे फील कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में आ रही है, तब आप भी थोड़ा थोड़ा उस तरीके से सोचने लगते हैं और आपकी सोच भी उस तरीके से जाने लगती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मुझे एक पॉइंट था जब मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा था और जब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा था कि भाई हाँ, अब बिटकॉइन जो है वो एक पुरानी चीज हो गई है, ऑल्ट कॉइन्स जो है वो है फ्यूचर और बहुत सारी है। लेकिन वहीं कहीं मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जहां मेरी जो सोच है वो चेंज हुई और कहीं ना कहीं मुझे लगा नहीं, बिटकॉइन जो है वो हमेशा टॉप पे रहेगा, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन चाहे जितनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी में आ जाए। और उसका मैं आपको कुछ रीजन भी दूंगा पॉइंट बाय, मतलब सारी पॉइंट वाइज मैं सारा कुछ समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो रीजन जो मुझे लगता है दैट इज कि बिटकॉइन जो हमारी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसीज है उसी की ऊपर जो पूरा मार्केट है वो हमारा डिपेंड करता है। तो एक रीजन तो ये हो गया। तो सीधी सीधी सी बात है कि हमारा अगर बीटीसी है एंड यहां पे हमारे ऑल्ट कॉइन है तो बीटीसी पर हमारा जो मार्केट डिपेंड करता है वो इस पर करता है, इस पर नहीं करता। यानी मतलब अगर हमारा बीटीसी अप जाता है तो हो सकता है ये अप जाए या डाउन जाए, हो सकता है ये डाउन जाए तो ये अप जाए या डाउन जाए। यानी मतलब बीटीसी पर ऑल्ट कॉइन डिपेंड करेगा, ऑल्ट कॉइन के ऊपर बीटीसी डिपेंड नहीं करेगा, पहला रीजन। सेकंड रीजन कि आपके पास कुछ ना कुछ बीटीसी होने ही चाहिए तभी आप ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर कुछ टाइम पहले तक ये बात पूरी तरीके से 100% लागू होती थी, लेकिन अब क्योंकि कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर फिएट करेंसी का ऑप्शन आ गया है, जैसे बिट्रेक्स वगैरह, ये फिएट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वहां पे आप डायरेक्टली यूएसडी से आप खरीद सकते हैं, तो ये ऑप्शन खैर थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहां पर हमारे पास बिटकॉइन जो है दैट इज मस्ट कि ये हमारे पास होना ही चाहिए तभी हम मैक्सिमम एक्सचेंजेस पर जो है ऑल्ट कॉइन्स को खरीद सकते हैं। तो यानी मतलब अगर ये नहीं है तो हम ये भी नहीं खरीद सकते, अल्टीमेटली वी हैव टू बाय बिटकॉइन टू बाय ऑल्ट कॉइन्स, नंबर टू। नंबर थ्री, अब आ जाते हैं और लॉजिकल रीजंस की तरफ से। तो नंबर थ्री जो है दैट इज हमारा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट आता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, इनफैक्ट मैंने भी कई बार इस चीज को कहा है कि जो बिटकॉइन है वो सेंट्रलाइज होता जा रहा है बिकॉज 70% ऑफ हैश रेट जो है वो टॉप के जो माइनिंग पूल्स हैं बिटकॉइन के वो कंट्रोल करते हैं और वो कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके जो प्राइसेस हैं। तो जब किसी चीज के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो इसका मतलब वो सेंट्रलाइज होता जा रहा है, ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूं कि चाहे ये सारी चीजें फैक्ट हैं कि इतना हैश रेट ये कंट्रोल करती है, फिर भी बिटकॉइन जो है बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स के आज भी उनसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। अब वो कैसे,
किसी भी ऑल्टकॉइन को आप उठा के देखें, या तो उसका आपको एक फाउंडिंग टीम होगी, फाउंडर होगा, या एक कंपनी उसके पीछे होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। तो इथेरियम में आज की डेट में अगर कुछ भी होगा तो उसके फाउंडर की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, और अगर उसका फाउंडर कुछ करना चाहता है तो वो होके ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इथेरियम इज मच मोर सेंट्रलाइज एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में कोई उसका ओनर नहीं है, कोई फाउंडर अभी हम नहीं जानते। अगर आज कोई कॉइन स्कैम कर जाए, कोई ऑल्ट कॉइन स्कैम हो जाता है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, उसके फाउंडर के खिलाफ केस कर सकते हैं, उसकी कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं, या जो भी उसकी टीम है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बिटकॉइन में अगर कुछ होता है तो आप बिटकॉइन में किसके खिलाफ केस करेंगे? मतलब कि उसके पीछे कोई मतलब वैसी कोई टीम नहीं है, वैसा कोई फाउंडर नहीं है, तो इट इज मच मोर डिसेंट्रलाइज्ड अगर इस वे में देखें तो। इनफैक्ट दूसरी जो चीज है कि सबसे ज्यादा हार्ड फोर्क्स जो आज तक हमने देखे हैं वो देखे हैं हमने किसमें? बिटकॉइन के केस में, जबकि ऑल्टकॉइंस में हमने हार्ड फोर्क्स देखे हैं लेकिन कम देखे हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन में पूरी फ्रीडम है हर किसी को, हर अपना ओपिनियन लेके, और अगर आप एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं चल सकते तो देयर इज ऑलवेज अ वे कि हम स्प्लिट कर जाएं। इसी वजह से बिटकॉइन में हमने इतने सारे हार्ड फोर्क्स देखे हैं कि बहुत लंबी लिस्ट है, कितने सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं कि ये बिटकॉइन से स्प्लिट हुए हैं। तो जबकि हार्ड फोर्क अगर हम ऑल्टकॉइन के केस में देखें तो वहां कहीं ना कहीं एक टीम थी, तो बहुत कम हार्ड फोर्क होते हैं कि बहुत कम कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन एज कंपेयर टू बिटकॉइन नहीं होते, क्योंकि यहां पे जो फाउंडिंग टीम है वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेती है। इनफैक्ट कुछ ऑल्टकॉइन्स ऐसे जरूर हैं जहां पे अब ये ऑप्शन दे दिया गया है कि पब्लिक ओपिनियन भी वहां पे लिया जाता है, माइनर्स का ओपिनियन भी लिया जाता है, और वो एक अच्छी चीज है उसको और डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर मेरे जो फैक्ट, अगर आपको जो बातें जो मैंने बताई उसके हिसाब से अगर मैं देखी, तो मुझे आज भी बिटकॉइन ज्यादा डिसेंट्रलाइज लगता है एज मतलब मोर देन ऑल्टकॉइंस। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज जो इसका हमारा कंसेंसस का जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो POW मतलब प्रूफ ऑफ वर्क को यूज करता है, और मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन जो है वो POS या और अदर जो कंसेंसस एल्गोरिथम्स होते हैं बहुत सारे हैं उनको यूज करते हैं, बहुत सारे POW को भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो है वो POS है। तो प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक को नहीं समझते तो मैंने एक पूरा वीडियो किया है जहां पर मैंने समझाया है आपको कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ वर्क में मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं, क्या होता है कि यहां पे हमको एक माइनिंग सेटअप लगाना पड़ता है जिसमें जो हमारी मशीन है जो कैलकुलेशन करती है, मतलब एक कंप्यूटेशन पावर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे उन क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं, और फिर ब्लॉक जनरेशन होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा जो हमारा जो कॉइन्स हैं, पर्टिकुलर कोई भी एक्सवाइजेड कॉइन की बात कर लीजिए, उसके वॉलेट में उसके कॉइन्स को रखना पड़ता है। जितने ज्यादा एसेट हमारा, जितने ज्यादा कॉइन्स वहां पे इन्वॉल्व होंगे हमारे उसमें, उतने ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं कि नेटवर्क हमें सिलेक्ट करेगा टू बी अ ब्लॉक जनरेटर। तो यहां पे प्रूफ ऑफ स्टेक का ये कंसेप्ट है, प्रूफ ऑफ वर्क का ये कंसेप्ट है। अब प्रूफ ऑफ वर्क को थोड़ा सा गलत माना जाता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है, और मैंने भी आपको बहुत बार बताया कि आज की डेट में बिटकॉइन का एक ट्रांजैक्शन इतनी एनर्जी कंजप्शन है उसमें कि जितना एक हाउस होल्ड एक दिन में या दो दिन में खर्च करता है बिजली, उतना एक ट्रांजेक्शन में बिजली लगती है। तो अब इसको भी देखने के लिए दो परस्पेक्टिव है हमारे प्रूफ ऑफ वर्क को। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अगर हम एक ग्लोबल वे में देखें और एक सिक्योरिटी वे से देखें, ग्लोबल का मतलब यहां पर मेरा था एनवायरमेंट से, यहां पे मेरा मतलब था एनवायरमेंट से एक्चुअली, कि यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, बहुत ज्यादा लाइट वेस्ट हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो ये एक गलत चीज है जो अच्छी चीज नहीं है। हम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि भाई किसी तरीके से एनर्जी मतलब जो है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे मुहिम चल रही है, तो उसके अगेंस्ट जाता है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें
तो यहां पर ये चीज गलत है कि ये बिटकॉइन का एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर इसी को हम टेक्निकल तरीके से देखें तो ये इसको और ज्यादा सिक्योर बनाता है। अब वो कैसे, क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का रीजन जो मैंने कहा कि यहाँ पे एक रियल टाइम एसेट यूज हो रहा है POW में। रियल टाइम एसेट यानी मतलब कोई भी बंदा जो माइन, जिसको हम माइनर बोलते हैं, जो POW मतलब यूज कर रहा है, जो माइनर है, जो ब्लॉक मतलब इसको माइनिंग कर रहा है, वो यहाँ पे एनर्जी को परचेज कर रहा है इसको माइन करने के लिए, BTC को माइन करने के लिए वो एनर्जी को कंज्यूम मतलब परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट लग रही है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम एक तरीके से एक रियल टाइम एसेट देख सकते हैं, जो एक रियल मतलब आपका जो पैसा है उसमें लग रहा है। तो आप कुछ एनर्जी को खरीद रहे हैं और फिर माइन आप कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे केस ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, अपना जो पैसा है उसको सीधे सीधे आपने एक वॉलेट में डाल देना है, जो है जितना ज्यादा अमाउंट आपका होगा यहाँ उतना ज्यादा चांसेस है आपको ब्लॉक जनरेटर की तरफ पे चूज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। तो यहां पर रियल टाइम कुछ नहीं है, यहां पर सब कुछ वर्चुअल है, यानी मतलब आपने एक अपना पैसा जो है वो लगा दिया। तो आप स्टेक पे जरूर लगा दें अपना पैसा, कि अगर आपने गलत वेरिफिकेशन वगैरह किया तो आपका पैसा कुछ रिड्यूस होगा। लेकिन यहां बात रही ब्लॉक जनरेटर के रूप में। अब बात करते हैं हैकर्स के एंड पे। हैकर्स का क्या कंसेप्ट है कि हैकर अगर इस सिस्टम को आके हैक करना चाहे तो वो एक टाइम को कर सकता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिक्योरिटी लेवल पे उन्होंने कितना कितना वर्क किया है, वो एक अलग चीज है। सिक्योरिटी लेवल पे सबने अच्छा अच्छा वर्क किया हुआ है। बिटकॉइन का अपना सिक्योरिटी लेवल है, इसका अपना सिक्योरिटी लेवल है। मैं यहां एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि कैसे POW का जो कंसेप्ट है वो खुद ऑटोमेटिकली रियल टाइम में ज्यादा सिक्योर हो जाता है। मैं ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसके जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हैकर दोनों को हैक कर सकते हैं, दोनों को हैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि बिटकॉइन का जो हैश रेट है मतलब जो ब्लॉकचेन है उसको टेक ओवर करने के लिए 51% ऑफ द हैश रेट को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, और सेम इज द केस हियर। तो यहाँ पे अगर हम 51% ऑफ हैश रेट को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो जो भी हैकर होगा उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि एक रियल टाइम एसेट है। जैसे मैंने कहा, उसको इतनी एनर्जी पहले खरीदनी पड़ेगी, फिर उसको वो हैक कर सकता है, और वो हैक करने के बाद वो वहां से पैसा बना सकता है। तो जितनी एनर्जी, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पे हमें इतनी एनर्जी की जरूरत है, शायद उसको इतना प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा कि अगर वो हैक कर भी ले तो, मतलब इतना इतना एनर्जी का यूज उसको करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी उसको खरीदनी पड़ेगी, इतना पैसा उसमें डालना पड़ेगा उसको कि उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक तरीके से अगर हम देखें लॉजिकली, ये एक तरीके से ऑटोमेटिकली खुद ज्यादा सिक्योर हो जाता है, जबकि यहाँ पे एनर्जी की कंजप्शन नहीं है। एक हैकर यहाँ बैठ के इनके कोड को हैक कर सकता है और इनके कोड को हैक करके इनके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो ब्लॉकचेन क्योंकि हैकेबल आसानी से नहीं है, वो एक फैक्ट हम रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज की डेट में देखते हैं एक्सचेंजेस हैक हो रहे हैं, सब कुछ हैक हो रहा है, तो हो रहा है ना हैक। तो मैं हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज हैक हो सकती है, ये भी चीज हैक हो सकती है, लेकिन यहाँ हैक होने के लिए हमें एक रियल टाइम एसेट की जरूरत पड़ रही है, जबकि यहाँ पे हमें रियल टाइम एसेट की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये एक बड़ा फैक्ट है।